दोस्तों आज हम बात करेंगे मी 10i स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इस फोन को इंडिया में 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही Xiaomi द्वारा शेयर की गई टीजर इमेज में इस फोन की नाम की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये खुलासा किया गया है कि इस नए फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप से लैस होगा और इसमें 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा सेंसर दिया जाएगा। साथ ही इस फोन को इंडिया में 5 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। वहीं अगर हम पुरानी लीक को देखें तो ये फोन मी 10i हो सकता है, जो कि पिछले रिपोर्ट में ये संकेत मिले थे कि इस फोन को इंडिया में Redmi Note 9 Pro 5G के रीवेरिएंट वर्जन के तौर पे पेश किया जा सकता है, जो कि हाल ही में चाइना में 108 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ था। दोस्तों Xiaomi ने आने वाले स्मार्टफोन की लॉन्च की तारीख का ऐलान ट्विटर पे कर दिया है। हालांकि कंपनी ने इस ट्वीट में फोन के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन अगर लीक की माने तो ये मी 10i स्मार्टफोन हो सकता है और इसके बारे में कंपनी ने एक शॉर्ट वीडियो को भी शेयर किया है। इस वीडियो में फोन को क्वाड रियर कैमरा मॉड्यूल के साथ दिखाया गया है, जिसका मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल होने के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा बता दें कि मी 10i स्मार्टफोन मी 10 सीरीज का अगला स्मार्टफोन होगा, जिसमें पहले से मी 10, मी 10 प्रो, मी 10 लाइट, मी 10 अल्ट्रा और मी 10 लाइट जूम एडिशन जैसे स्मार्टफोन शामिल है। साथ ही हाल ही में मी 10i मॉडल नंबर के साथ किंगबेंच वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है। इस लिस्टिंग में जो बात सामने आई है, ये फोन 8GB रैम और ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस होगा, जिसकी क्लॉक स्पीड 1.8 GHz होगी। वहीं फोन का सिंगल कोर टेस्ट में 652 पॉइंट और मल्टी कोर टेस्ट में 2004 पॉइंट मिले हैं। जबकि सामने आई जानकारी के अनुसार ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ पेश किया जाएगा। दोस्तों मी 10i की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस का IPS डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि इस फोन की डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जबकि अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो इस फोन में स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ इस फोन को मिनिमम 6GB रैम ऑप्शन के साथ भी उतारा जाएगा। इसके अलावा कैमरे सेटअप की बात करें तो इस फोन के बैक में 108 मेगापिक्सल के 4 कैमरे सेटअप दिए जाएंगे, जिसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, साथ में 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिया जाएगा। जबकि अगर बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो इस फोन में 4820mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर प्राइस की बात करें तो ये फोन 22 से लेके 25,000 के आसपास में ही लॉन्च किए जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस फोन को 5 जनवरी 2021 को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आप इस फोन को लेके कितना एक्साइटेड हो कमेंट जरूर करना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।